What's up guys, welcome to today's vlog. My name is Mansi Gupta and आज मैं आप लोगों के साथ एक informative things पर discuss करने वाली हूँ. बहुत सारे लोग मुझे comment करते हैं and मुझसे पूछते हैं कि भागलपुर में library exactly है कहाँ कहाँ, तो इसी बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी and आज मैं आप लोगों को भागलपुर का library भी घुमाऊंगी, किस तरह से shift मिलता है and all, और साथ में किस तरह से पर्सनल स्पेस मिलता है स्टडी करने के लिए, तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ. पर उससे पहले मैं जाऊँगी अपना खाना खाने के लिए बिकॉज आई एम सुपर हंग्री. और मैं जब से वीडियो बना रही हूँ पता नहीं क्यों इतना सारा गाड़ी जा रहा है. अगर आप लोगों को मेरे आवाज़ में जरा सा भी प्रॉब्लम लग रहा होगा प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना. और चलो बस मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ एंड आप लोगों को भागलपुर का लाइब्रेरी घुमाती हूँ. अभी मैं आई हूँ सौर्या लाइब्रेरी जो कि मनारी चौक में एकदम यमहा शोरूम जो है उसके जस्ट बगल वाले गली में थर्ड फ्लोर पे, तो उधर चलेंगे एंड आप लोगों को यहाँ के बारे में सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं. चलो जल्दी से चलते हैं अंदर एंड आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर का क्या क्या सीन है लाइब्रेरी के थर्ड फ्लोर पे. एंड आप लोगों को यहाँ पे इतना सारा फीचर्स मिल जाएगा, तो इस लाइब्रेरी के कुछ फीचर्स को देखेंगे हम लोग. सबसे पहले है यहाँ पे कंफर्टेबल स्टडी स्टेशन, साथ में मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आप लोगों को मिलेगा. सेपरेट मेल एंड फीमेल वॉशरूम है इधर एंड पर्सनल स्टडी लाइट है. सारे टेबल पे अपना अपना अलग अलग लाइट है, जब पढ़ो तो लाइट जला दो, जब मर्जी जैसा मर्जी आपकी मर्जी पे डिपेंड है. एंड साथ ही में पर्सनल लॉकर्स मिलेगा आप लोगों को एंड पार्किंग फैसिलिटी भी मिल रहा है. जैसे आप लोग बाइक या साइकिल से आते हो तो उसको लगाने के लिए नीचे में अलग से स्पेस बना हुआ होगा. एंड साथ ही में कॉन्फ्रेंस रूम प्लस कॉमन स्टडी स्पेस मिलेगा, जैसे लंच करने के लिए अलग स्पेस बना हुआ है यहाँ वो मिलेगा. और सीसीटीवी के गाइडेंस में आप लोग पूरे रहोगे, साथ ही में फुल एयर कंडीशन होगा पूरा ही एरिया. एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पूरे भागलपुर में सबसे बड़ा लाइब्रेरी और ये थर्ड फ्लोर पे भी है एंड सेकंड फ्लोर पे अभी बन रहा है जो कि 10 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो. तो बस चलते हैं अंदर एंड देखते हैं अंदर का कैसा सीन है. बेस्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पे जो आप लोगों को स्पेस मिलता है डेस्क पे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. लाइक अगर लैपटॉप या कोई कॉपी किताब रखते हो तो बगल में स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. एंड बाकी का जो भी डिटेल्स है वो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना. तो चलो आज का जितना भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था मैं दे दी हूँ. अभी मैं जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद फूड ड्राइव पे. एकेडमी में आज हो रहा है, वैसे हो रहा था 2 ही बजे बट थोड़ा सा लेट. देखो संजय कितना अच्छा था कि मुझे उधर शूट करने में थोड़ा सा लेट समय लग गया और इधर भी टाइम था, तो बस मैं इधर आ गई हूँ. और चलो चलते हैं बहुत दिनों के बाद. मैं ही कितने दिनों के बाद आई हूँ मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैं कब आई हूँ. तो चलो चलते हैं और आज कुछ अच्छे काम करते हैं. मम्मी का डिमांड को पूरा किया जा रहा है, क्या बोले? और अचानक से देख रहे हो मौसम का क्या हाल हुआ है. कभी मुझे जाना है मार्केट में, मम्मी बोली है फल लाने के लिए क्योंकि कल और परसों दो पर्व है ना. कल तो विश्वकर्मा पूजा है और परसों जीतिया, तो मम्मी बोली है बहुत सारा फल लाने के लिए. तो मैं सोच रही थी ना कि पहले कुछ खा लेते, तो यहाँ पे एक ना कोई रेस्टोरेंट था जहाँ में डोसा मिलता है. मैं एक ही बार खाई थी जब इधर मैं ट्यूशन आया करती थी, बट अब शायद वो बंद हो चुका है और है भी खुला तो पता नहीं मिलता नहीं है क्या सीन है. भूख भी लगा था बहुत जोर से, देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भूखे ही पेट जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी हो रहा है. देखो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, बारिश ज़्यादा तेज होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा. इतना जोर का बारिश हम लोग सोचे नहीं थे. एक बार अगर कोई बंदा जाए तो वहाँ नहा धोवा के आ जाए, बताओ. बहुत दिनों के बाद ऐसा बारिश हो रहा है. एक पॉपकॉर्न दीजिएगा 10 वाला. इतने तेज बारिश में और कोई ऑप्शन नहीं था. देखो बगल में ही कुछ खाने का मिल गया, अच्छा है ना. कभी कभी ये भी अच्छा हो जाता है. मेरे फल का सारा शॉपिंग हो चुका है और अभी एक चीज़ बचा है, नारियल. और आंटी कुछ बोली है क्या कपूर, नहीं सॉरी क्या हींग, वो कुछ ढेला वाला करके हींग आता है, तो वो लेने के लिए मुझे अभी खलीफा बाग मार्केट जाना पड़ेगा. और बारिश से पड़ने के बाद मौसम कितना ज़्यादा सुंदर हो जाता है ना.
अब मेरा फेस क्यों इतना गंदा सा चमक रहा है मुझे भी नहीं पता। तो अभी मैं कर रही थी इस वाले साड़ी में पेंटिंग और कुछ इस इतना दूर हुआ है, इसके बाद ना मैं वो अपने पोस्टर में पेंटिंग करूंगी। और ना देखो देखो मेरा रूम कितना साफ सुथरा हो गया। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि विश्वकर्मा पूजा है एंड जितिया पूजा है, तो मम्मी बोली थी रूम को साफ वाफ कर दो। वैसे मैं ना मेरा आदत हो गया है डेली रूम में झाड़ू लगाना एंड पोछा लगाना, यू नो मेरा रूम बहुत ज्यादा गंदा होता है लाइक, तो बस मैं वो करती हूँ, तो बस मैं वही कर रही थी। और करते करते देखो मैंने अपने रूम का लुक ही चेंज कर दिया, ये चौकी इस तरह से घुमा था एंड इधर से घुमाने के बाद ना यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस बच गया एंड मैं जो मिरर का जगह निकाल रही थी ना वो जगह मुझे मिल गया। मैं सोच रही हूँ कि इस जगह पे मिरर करूँ एंड साथ ही में मैंने ऑर्डर किया है एक पर्दा, मतलब तीन पीस का सेट है जो कि मुझे उस दिन मार्केट में नहीं मिला था, तो वही मैं ऑर्डर किया जो कि यहाँ लगेगा। और भी बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों को मिलेगा, जिस दिन आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने के लिए, उसके बाद ना मुझे वो बचा हुआ जो क्ले वाला इयररिंग था ना उसको भी मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो क्या हुआ ना हाफ क्ले का मैं बनाई हूँ और हाफ क्ले को मैं इस तरह से रख दी थी कि मुझे लगा ना कि उसी दिन मैं बना लूंगी, लेकिन मैं उस दिन बना नहीं पाई और चार दिन हो चुका है, क्ले पूरा ही ज्यादा मेल्ट हुए जा रहा है, बट इसको मुझे आज ही बनाना पड़ेगा। तो जाती हूँ मैं जल्दी से खाना खा के आऊंगी, उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगी। क्यों ब्रश करने के बाद मेरा मन कर रहा है डार्क फैंटेसी खाने का, और अभी मैं बनाने वाली हूँ अपना लैपटॉप और इयररिंग वगैरह जो कि आप लोग कल देखना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ एंड जाके डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट कर लेना, लाइब्रेरी का जो भी डिटेल्स होगा वहीं पे मिलेगा आप लोगों को। और ये जितना भी इयररिंग मैं बनाई हूँ ना ये अगले ब्लॉग में देखना, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इस ब्लॉग में दिखा पाऊंगी और जा रही हूँ मैं इस वाले वीडियो को भी एडिट करूंगी और इसको भी बनाऊंगी। सो मिलती हूँ अगले दिन 8 बजे सुबह में। ओके बाय, गुड नाइट।